मध्य प्रदेश को रोशन करने वाली सबसे बड़ी सिंघाजी विद्युत परियोजना में जब से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का दौरा हुआ है तभी से कुछ न कुछ घटना घट रही है। ऐसा ही एक आश्चर्यचकित मामला मंगलवार की शाम को भी हुआ जहां पर आग का लार्जेस्ट कंपनी में झारखंड का रहने वाला युवक खाना खाने के पश्चात सोते समय अचानक मौत का शिकार हो गया। बताया जाता है कि 7 वर्ष से अधिक समय से सिंघाजी परियोजना में कार्यरत आकालॉजिस कंपनी में युवक रूडमैन का कार्य किया करता था, परंतु सिंघाजी परियोजना में चर्चा का विषय यह रहा कि युवक खाना खाने के पश्चात आराम के दौरान कैसे मौत का शिकार हो गया। परंतु विडंबना यह है कि जिस कंपनी ऑटोलॉजिस्ट में कार्यरत युवक की मौत की खबर के बाद भी आकालॉजिस्ट कंपनी के जवाबदार अधिकारी साइड इंचार्ज कृष्णा चैटर्जी युवक को देखने तक नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि वह छुट्टी पर चल रहे हैं, परंतु कंपनी की ओर से अन्य कोई जवाबदार व्यक्ति भी नहीं पहुंचा। परंतु मृतक शरीर को साथीगणों के द्वारा सिंघाजी परियोजना के एम्बुलेंस से मूंदी के उप स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बुधवार की सुबह पहुंचे श्रमिकों ने बताया कि हमारे साथ कई वर्षों से कार्यरत था। मूंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। भागीरथ पिता डमरूधर, इनकी उम्र 31 वर्ष थी, निवासी रहने वाले माझगांव सिंहभूम झारखंड के रहने वाले हैं। कल मृत्यु हो गई थी अज्ञात कारणों से। इनका आज PM करवाया और उनके साथ में जो कार्य करने वाले उनके राज्य के लोग हैं उनके साथ में उनके शव को पोस्टमार्टम के बाद रवाना कर रहे हैं, जो आका कंपनी में काम करते थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।